Please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. कोई सोच भी नहीं सकता कि एक च्युइंगम हिंदुस्तान को उसका सबसे बड़ा सबसे चहेता सितारा दे सकती है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने च्युइंगम चबाई और सुपरस्टारडम वाली सफलता पाई। ये कहानी क्या है, जरा सुनिए गौर से। सेठ जी, आपसे एक बात करनी। अमिताभ बच्चन भारी भरकम आवाज का मालिक तो रहे, लेकिन इतने पतले दुबले इतने लंबे थे कि कोई भी इन्हें बहुत बड़ा हीरो वाला रोल देने को तैयार ना था। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इसे वापस इलाहाबाद भेज दो, इसके बस का कुछ नहीं है। लेकिन एक चुंगम इन्होंने ऐसी चबाई कि सुपर स्टारडम हासिल कर लिया। बात उस वक्त की है जब महमूद साहब ने अमिताभ बच्चन को रोल दिया था फिल्म बॉम्बे टू गोवा में। उस जमाने में अरुणा ईरानी अमिताभ बच्चन की हीरोइन हुआ करती थीं। प्रकाश मेहरा एक हीरो को तलाश रहे थे, सलीम जावेद के साथ इनकी तिकड़ी जबरदस्त बन रही थी। और तब प्राण साहब के बेटे ने कहा कि एक फिल्म लगी है बॉम्बे टू गोवा, आप जाएं उस फिल्म को देखें, उस लड़के ने अच्छा काम किया है। ये सब के सब वहां पहुंचे, एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस थी। अमिताभ बच्चन को घूंसा लगता है, टेबल के दूसरी तरफ जाते हैं, लेकिन घूंसा लगने से पहले वो च्युइंगम चबा रहे थे। घूंसा खाने के बाद टेबल के दूसरी तरफ जाने के बाद भी वो च्युइंगम चबाते हुए वापस आए। बस ये हुनर देखा कि कैसे इस आदमी ने च्युइंगम की कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी, और लोगों ने कहा कि ये है एक्टर, ये पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर काम करता है। और इस तरह से फिल्म जंजीर का हीरो बनाया गया अमिताभ बच्चन को। सलाह तो कौड़ी का आदमी नहीं, और मुझे उससे लिख के माफी मांगनी पड़ी। माफी? किसने कहा तुझे माफी मांगने के लिए? डैडी ने। एक वर्कर का हाथ छिल गया था मशीन में। टेल मी, वाज इट माय फॉल्ट? वाज इट माय फॉल्ट? ऐसी और भी बड़ी जबरदस्त कहानियां सुने, देखें, पसंद करें सिर्फ और सिर्फ पेज 3 रिपोर्टर पर।